अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा कि आज मेरी सारी शेप्स तैयार हो चुकी हैं, सारी तो नहीं, खैर कुछ रहती हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखा दूं कि अब मेरे टेक्सचर की क्या हालत है। पानी तो आपने देखा ही था, कितना पानी था, इतना पानी था कि हर टेक्सचर में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ा, क्योंकि दो दिन तो लगातार धूप अब निकल रही है, लेकिन टेक्सचर था कि सूखने के नाम ही नहीं थे ले रहे, कि पानी में निकल ही नहीं थे। तो फिर मेरे पास कुछ ओल्ड टेक्सचर थे पड़े हुए, जो मैंने अलग से रख लिए थे, यानी वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे नहीं, जगह भी इतनी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं उनको नहीं यूज़ कर रही थी, तो वो मैंने फिर अब हर एक में ऐड किए, काफ़ी काफ़ी मिकदार में ऐड किए हैं, तो पानी क्या है सारा। ये देखिए, ये मेरा न्यू टेक्सचर है, इसमें मैंने, ये मेरा न्यू टेक्सचर है, इसमें मैं कुछ चीज़ें वगैरह ऐड की हैं, वो प्योर सैंड थी और कोई एक दो और चीज़ें की हैं, और ये मेरा ब्लॉक टेक्सचर, जिसमें मैंने और तो कुछ था नहीं, फिर भी मैंने इसमें रेड डॉट शामिल की है, स्टोनी रेड डॉट की है इसमें शामिल। ये प्योर सैंड को बताऊँ, इसकी तो वो हालत थी, ये बस ट्राई नहीं थी जा रही, पानी की तरह थी, इसमें भी काफ़ी सारी मुझे सैंड यूज़ करनी पड़ी। ग्रीटी टेक्सचर का तो ये है ना कि चलो उसमें हम पानी आया ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट टेक्सचर है उनकी तो शेप्स, इसकी तो शेप्स ही निकल गई थी। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी था मेरे हर एक टेक्सचर में, ये कुछ जमीन से निकाल कर रखा है, ये चेक करेंगे, तकरीबन इतना था, निकाल के वो फिर भी नहीं था कोई हो रहा। अब ये अभी एक दो हैं टेक्सचर पड़े, फिर इनको इंशाल्लाह ताला जल्दी बनाएंगे। ये क्या है, ये मेरी पीढ़ी जिसमें मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा ये देखें, इसमें से निकाल लिए जो रेड रेड कलर अपने टेक्सचर्स में मैंने शामिल की है, ये देखें पूरा टप निकला एक बोरी में से, ये और अपनी शेप्स का हाल दिखाती हूँ आपको, एक मिनट का रास्ता। ये मैंने शेप्स के लिए बना लिया है तो ये कूलर है, लेकिन इसमें मैं अपनी शेप्स वगैरह रख लेती हूँ, सारी धोने वाली हैं, काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी शेप्स हैं मेरे पास। मैं आपको मेन हीरो दिखाती हूँ अपनी वीडियो का, जो मेरी वीडियो में हर वक्त मौजूद होती हैं, इनका शोर तो बहुत, इनकी वजह से मैं कई वीडियो नहीं बना पाती। अम्मा वालेकुम, मैं क्या, तुम तो साइड पे हो ना ज़रा। हाँ जी, एक तो कोई जब वीडियो बनाने की बात ही नहीं आती, बंदा बात क्या करे, हालांकि बातें इतनी कुछ मौसम की, कुछ इधर उधर की। ये देखिए, ये कल अभी भी शेप्स बन रही थी, तो ये बिल्ली के काम देखे, मसे से पास से गुजर गई है, जैसे कोई उसका मसला ही नहीं है। ये चेक करें, ये भी कुछ चेक करिए, बड़ा बहुत सारा पानी, और ये रेड
और प्योर सीमेंट का टेक्सचर अंदर रखा, बहुत हार्ड पता नहीं हो गया होना है क्योंकि उसको मैंने दोबारा बनाया तो है, लेकिन उसमें सीमेंट दोबारा इतना नहीं ऐड किया, पता नहीं उसका क्या हाल होना है। बारिशों का है पता नहीं क्या बनता है। अच्छा ये जो मेरा टेक्सचर है ना, इसमें मैंने मिक्स किया है, इसमें ये पूरी ये तीन शेप्स थी, मतलब तीन टेक्सचर थे मेरे ये, लेकिन इकट्ठे हो चुके हैं, इनका कोई पता नहीं क्या। फिर इसके अंदर मैंने कुछ जो ग्रिटी शामिल किया अपना, ग्रिटी बन गया और ये सिंपल, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है।